हेलो एवरीवन दिस इज महेंद्र सुथार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय चैनल इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड यू कैन फाइंड वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग वीडियोज ऑन माय यूट्यूब चैनल ओके सो विथ टूडेज़ वीडियो आज के वीडियो से हम लोग क्लास टेंथ सी का टर्म वन का जो मैथमेटिक्स सेलेबस है उसका हम लोग रिविज़न स्टार्ट करेंगे तो जो भी बच्चा क्लास टेंथ सी बी एस ई में है और इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कुछ दिनों बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो रहेगा और आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें इसमें आज हम लोग जो रिविज़न करने वाले हैं वो है चैप्टर वन का और चैप्टर वन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पैटर्न हैं एम सी क्यू क्वेश्चन के वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे तो आप खुद भी ये वीडियो देखें और जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में क्लास टेंथ में हैं सी बी एस ई से हैं वो उनको ये वीडियो शेयर करें तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तो हम उन क्वेश्चन को सीखेंगे डायरेक्ट एम सी क्वेश्चन से ही तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन ट्वेंटी इन ट्वेंटी फाइव बी अशनल नंबर देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो एक्स है वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगा तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है डिनोमिनेटर हमारे पास में है ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो हम इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए टू इं टू फाइव इंटू टू और यहाँ पर हमको मिलेगा फाइव इंटू फाइव सो अब हम इसको लिखेंगे टू टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर थ्री तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें आपको जो डिनोमिनेटर है उसको टू टू द पावर या तो टू टू द पावर समथिंग में होना चाहिए या फिर फाइव टू द पावर समथिंग में होना चाहिए या फिर टू की पावर मल्टीप्लाइड विथ फाइव की पावर तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जो नंबर है वो कितने डिजिट बाद में टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है जैसा कि आप लोग को दिख रहा है टू टू द पावर टू एंड फाइव टू द पावर थ्री है तो जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों में से हाईएस्ट पावर है थ्री तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए एक्स की वैल्यू को अगर निकाला जाए तो आफ्टर थ्री डेसिमल प्लेसेज द नंबर विल गेट टर्मिनेट ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है थ्री है अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर फोर होती तो नंबर जो है वो फोर डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो जाता तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा ओके नाओ वी विल सी क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या दे रखा है देंशन ऑफ सिक्सटी थ्री अपॉन सेवेंटी टू इंटू वन सेवेंटी फाइव तो बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर टू हो या फिर फाइव हो या फिर टू इंटू फाइव हो तो वो जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग चेक करें तो सेवन टू से डिविजिबल है यानी इसके प्राइम फैक्टर और वन सेवन फाइव जो है वो उसका भी एक प्राइम फैक्टर जो है वो फाइव होगा सो वी कैन डायरेक्टली राइट कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा फिर से समझें आपको बस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग करते हैं तो उसमें टू या फिर फाइव या फिर टू और फाइव दोनों ये हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही टू भी होगा इसके प्राइम फैक्टर में और फाइव भी होगा अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इस इस क्वेश्चन को आपको अलग से कभी समझा दूंगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ इफ एच एंड एल आर टू नंबर ऑफ टू नंबर्स आर फोर एंड Uh, 9696 देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज यहां पर आपको एक फॉमूला लर्न करने की जरूरत है और वो फॉमूला है एल सी एम इन टू एच सी एफ अगर किसी भी दो नंबर का एल सी एम और एच सी एफ को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो हमको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओके तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है एल सी एम और एच सी एफ दोनों ही दे रखा है और उसका प्रोडक्ट आपको निकालना है तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो फोर मल्टीप्लाइड विथ नाइन सिक्स नाइन सिक्स नाउ लुक गाइस यहाँ पर आपको टर्म वन के लिए जो एम बेस्ड बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कैलकुलेशन करके आंसर्स निकाल लेंगे लेकिन आपको टाइम के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो ट्राई टू मैनेज योर टाइम और क्वेशंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की आप कोशिश करें तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ सिंपली आप लोग क्या करेंगे अगर मैं फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो इसमें क्या पता चला कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता अब आपको इसमें डी और ए में से चेक करना है तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टेंस डिजिट क्या होगी एट होगी कि टू होगी सो so, फोर टू जा फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर तो फोर यहां पर आएगा कैरी गया टू फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस टू थर्टी एट तो सेकंड प्लेस पे आपके एट होगा तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है वी कैन सी दैट वंस एंड प्लेस डिजिट इज फोर एंड एट सो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ओके okay, तो आप जितना टाइम बचाने की कोशिश कर सकते हैं उतना आपको टाइम बचा करके बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होना है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर जो है है? वो आपको क्या बोलता तो यहाँ पर भी सेम जो ऊपर हमने फॉर्मूला यूज किया था वही हमको लगाना है कि दो नंबर के एल सी एम और एच सी एफ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के तो दोनों ही नंबर आपको ए और बी दे रखा है थोड़ा सा जनरलाइज तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा है तो आप कंफ्यूज ना हो गए द आंसर इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव से इज इफ द एस ऑफ टू नंबर्स इज वन दो नंबर का एस जो है वो वन है देन द टू नंबर्स आर कोल्ड तो दोनों ही नंबर को क्या कहा जाता है ये हमको पता करना है तो दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे ओके तो जब कभी दो नंबर का एस सी वन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी तो ध्यान रखना है कोई भी नंबर है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं टू और थ्री तो इन दोनों का एस क्या होगा वन एस का सिंपल सा मीनिंग है कि नंबर से खाली वन ही डिविजिबल हो और भी कोई डिविजिबल नहीं हो अदर देन वन तो टू से भी डिवाइड खाली वन होगा थ्री से भी डिवाइड वन होगा तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं एक दूसरे के को प्राइम फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू सेवन एंड नाइन तो सेवन और नाइन में भी आपको बस ये देखना है कि ये नहीं देखना है कि दोनों नंबर प्राइम है कि नहीं है नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर यू जस्ट नीड टू चेक कि सेवन और नाइन दोनों से खाली वन डिविजिबल है उसके अलावा दूसरा कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो ओके सो बोथ सेवन एंड नाइन बी को प्राइम तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा अगर किन्हीं दो नंबर का एस खाली वन है तो उसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर कहेंगे ओके सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन को तो so, ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर थ्री डेसिमल प्लेसेस so this is the option ऑप्शन डी एंड फॉर सेकेंड डिनोमिनेटर में आपका टू भी है और फाइव भी है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा और फिर एस सी एफ और एल सी एफ हम लोग देखें तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा सिंपल सा आप फर्स्ट uh, फर्स्ट और सेकेंड वन के डिजिट को मल्टीप्लाई करके चेक करें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सो यूल गेट एटी फोर सो आंसर विल बी डी एंड देन फॉर ऑप्शन फोर्थ

खाली क्वेश्चन नंबर टेन तक ही इस वीडियो में करेंगे इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लाऊं। आई विल be टेकिंग अराउंड ट्वेंटी questions ऑफ ईच चैप्टर ओके सो इफ यू want, अगर ये रिवीजन आपके कुछ काम का लगता है इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ ये रिवीजन इज यूजफुल देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज ओके सो जस्ट राइट इन द comment सेक्शन इफ द एस of two ऑफ टू नंबर इज वन then the two numbers are called यह वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है सो द आंसर विल बी बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नाइन्टी थ्री विल बी अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लुक हम यहाँ पर क्या करेंगे फिफ्टीन हंड्रेड का प्राइम uh, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव से तो फिफ्टीन बन जाएगा फिर हमको बनाना है हंड्रेड सो हंड्रेड के लिए फाइव इंटू टू टेन एंड फाइव इंटू टू सो यू कैन सी थ्री इंटू टू टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर थ्री तो मैंने हमने अभी पहले क्या बात किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में टू की पावर हो या फिर फाइव की पावर हो या फिर टू एंड फाइव दोनों की हो दूसरा और कोई नंबर है तो इट इज़ फाइन वो चलेगा लेकिन अगर ये नंबर्स हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है अब ये तो हमको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग इसमें चेक करने के लिए हमको क्या करना है एज यू कैन सी दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ फाइव इज थ्री सो इससे सिंपल सा ये मीनिंग निकलता है कि ये जो नंबर है वो थ्री टर्मिनेट हो जाएगा ओके सो द आंसर इज टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग इज द ओनली ऑप्शन लाइक बाकी सारे तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग और कितने डिजिट बाद में तीन डिजिट बाद में तीन डेसिमल प्लेसेस बाद में क्यों क्योंकि टू और फाइव में से जो हाईएस्ट पावर है वो है थ्री तो जब हम लोग डिनोमिनेटर के लिए चेक करते हैं तो हमको टू और फाइव में से किसी की भी जो हाईएस्ट पावर है वो डेसिमल प्लेसेस की टर्मिनेटिंग प्लेस होगी ओके अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन से एस सी एफ ऑफ फिफ्टी टू एंड वन थर्टी इज तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लाइक ग्रेड सिक्स ग्रेड सेवन वाला जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके और फिर एस सी एफ निकालना है तो फिफ्टी टू का प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे टू से स्टार्ट करते हैं टू एंड देन ट्वेंटी सिक्स सो इट विल बी थर्टीन तो थर्टीन फोरजार फिफ्टी टू होता है फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं वन थर्टी तो वन थर्टी हो जाएगा थर्टीन एंड टेन तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू फाइव अब एस सी एफ निकालना है तो एस सी एफ निकालने का तरीका क्या है हाइस्ट कॉमन फैक्टर थर्टीन so, एक तो कॉमन है और टू एक कॉमन है ओके सो विल बी ट्वेंटी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ये सिंपल सा जो एस निकालने का तरीका है वही आपको यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म कोई इंटीजर है अगर आपको ऑड इंटीजर निकालना है तो ऑड इंटीजर का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमेशा होता है टू क्यू प्लस वन क्यों होता है टू क्यू प्लस वन कोई भी इंटीजर आप मल्टीप्लाई इंटीजर से आप स्टार्ट करके देख लो जनरलाइज तरीका फॉर एग्जाम्पल विल स्टार्ट फ्रॉम वन तो क्यू को अगर मैं वन रखू तो वन इंटू टू टू और टू प्लस वन थ्री मिला फिर मैं क्यू को रखता हूँ टू तो टू टू फोर फोर प्लस वन इट इज फाइव नाउ आई इल पुट क्यू एज थ्री सो थ्री टू सिक्स सिक्स प्लस वन एज सेवन सो इन ईच इंस्टांस वी आर गेटिंग एन ऑड नंबर ओके अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो वन वन प्लस वन इट इज टू तो टू इवन नंबर हो गया यहाँ पर हम लोग चेक करें तो फॉर वन इट इज टू फॉर टू इट इज फोर फॉर थ्री इट इज सिक्स सो एवरी टाइम विल गेट इन इवन नंबर सो ओनली डी ऑप्शन इज गिविंग अस द करेक्ट ऑप्शन सो डी विल बी दी आंसर फॉर दिस ओके अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी इवन नंबर इज इन दी फॉर्म इवन नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे इवन नंबर सिंपल से आपका क्या करना है टू क्यू अगर आप किसी भी नंबर क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो वन को अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू मिलेगा टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर मिलेगा थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स मिलेगा तो टू क्यू एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सारे ही नंबर इवन में मिलते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एन इफ एन इज अब आपको यहां पर सिंपल सा चेक करना है कि इंटीजर से आपको एन मिलेगा कि नेचुरल नंबर से मिलेगा कि ऑड नंबर से मिलेगा या फिर इवन इंटीजर से मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगा ये नेचुरल नंबर ट्राई करूं तो वन स्क्वायर वन का स्क्वायर होता है वन माइनस वन तो जीरो अपोन एट इज जीरो फिर टू से हम लोग ट्राई करें तो टू का स्क्वायर फोर माइनस वन तो थ्री अपोन एट इज नॉट डिविजिबल ओके अब हम लोग चेक करते हैं ऑड नंबर से इंटीजर से हमने क्यों नहीं किया क्योंकि नेगेटिव में है तो एक बार हम लोग नेगेटिव में नहीं चेक कर रहे हैं नेचुरल नंबर से हमने चेक किया तो जीरो से हमको जीरो और जीरो माइनस वन अपॉइन एट तो माइनस वन अपॉइन एट अ, हमको एक फ्रैक्शन मिल गया अब हम लोग ऑड इंटीजर से ट्राई करते हैं ऑड इंटीजर फर्स्ट ऑड इंटीजर होता है टू सॉरी थ्री

फोर्टी नाइन माइनस वन इट इज फोर्टी एट अपॉन एट सो यस वी आर गेटिंग हो रही है अब हम लोग even integer से से कर लेते हैं. कि even से भी है क्या? तो से ये नहीं होगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट मैं रिविजन के हिसाब से ये थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन सजेस्ट मी कि मुझे मेरी स्पीड कम करनी चाहिए या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो ये हमने कुछ पैटर्न्स देखे हैं चैप्टर वन के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर टेन क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करूँगा अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियोस में स्पेशल एम सी क्यू सेलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल आप खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और जो भी बच्चा अभी टेंथ सीबीएसई में पढ़ता है उसके साथ में इस वीडियो को शेयर करें थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जिसमें हम लोग चैप्टर वन के ही नेक्स्ट टेन क्वेश्चन हम लोग करेंगे और साथ में दो केस स्टडी क्वेश्चन भी मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगा अगर आप ये सारो सारे वीडियोज़ देख लेते हैं तो आ, मैं आपको उम्मीद दिला सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे जो फर्स्ट टाइम बोर्ड ने सीबीएसई ने एमसीक्यू बेस्ड बोर्ड एग्जाम लेने का सोचा है सो यू कैन गेट गुड मार्क्स दिस टाइम ओके सो इसी के साथ हैव अ नाइस डे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए थैंक यू